सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज बात करने वाले हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे, आपके बहुत सारे प्यार के लिए मैं बहुत 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 सारा शुक्रिया गुजार हूँ, थैंक यू। और बहुत सारी आपकी क्वेरी थी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम असाइनमेंट सबमिट हो गई, मार्क्स कैसे देखे, मार्क्स वर्क्स क्या मेन होता है उसका देख लीजिए। अगर असाइनमेंट आपने सबमिट कर दी और फिर अगर आपको मार्क्स वर्क्स की चिंता है तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो एग्ज़ाम के बाद तक अपलोड हो जाता है, कई बार लेट हो जाती है। सो आप उसको ध्यान में, असाइनमेंट की सिर्फ एक बात आपको जो ध्यान देनी है, वो आपको मेन बात ध्यान देनी है उसकी रिसिप्ट, वो बहुत आपको संभाल के रखनी है। जब तक आपका मेन डिग्री एकदम हाथ में ना आ जाए तब तक आपको उसको बहुत संभाल करके रखना है, ये बात आप याद कर लीजिए। प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा है जैसे मेरा कॉलेज नहीं करा रहा प्रैक्टिकल, क्योंकि असाइनमेंट में प्रैक्टिकल हो गया था तो वो लोग प्रैक्टिकल शायद उसी में काउंट कर ले। कई लोग के कॉलेज अलग से प्रैक्टिकल करा रहे हैं, जो अलग से प्रैक्टिकल करा रहे हैं वो ऐसी बात नहीं है कि बहुत गलत काम कर रहे हैं, उन लोग अपने मन का काम कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। वो लोग हो सकता है कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हो, या प्रैक्टिकल को कोई मतलब प्रेजेंट प्रैक्टिकल समझते हो, मतलब उसमें अटेंडेंस होनी ज़रूरी है, उसमें फाइल बनाना, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम वो लोग समझते हो कि वो लोग टीचर्स हैं। हर लोग के सेंटर ही हर लोग का मेन होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम में भी ये पॉइंट बहुत मैटर करेगा, इसलिए ये बात आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि आपका सेंटर ही आपका मेन पॉइंट है, बाकी आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आपको एक जो बात बहुत ध्यान देनी है, आपको लिखने से नहीं घबराना है। आप ये मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन पूरा हो गया, आंसर मैंने पूरा लिख दिया उसका, वो चीज़ ख़त्म हो गई। आपको 10 नंबर का क्वेश्चन में भी आप कई लोग एक पेज लिखेंगे, इग्नू वाले ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हर सेंटर में और पूरा यूट्यूब पे इग्नू में ये चीज़ जुड़ी हुई भरी पड़ी हुई है कि ये इस चीज़ से जुड़ी हुई कि एग्ज़ाम में कैसे लिखें। कोई इसी का भी आप टॉपिक उठा कर देख लीजिएगा, सब एक ही बात बोलेंगे, अधिक लिखना है, अधिक लिखना है, अधिक लिखना है, अधिक लिखना है। आपको इन लोग की बात माने, किसी एक की भी मान लेंगे तब भी आप अधिक लिख के आए, क्योंकि वो लोग पेज से थोड़ा काउंट करता है नंबर को, आंसर वो लोग उतना ध्यान देते होंगे लेकिन पेज से काउंट करता है। हम 10 नंबर वाले क्वेश्चन को पे भी दो दो नंबर, तीन तीन नंबर मिलते देखे एक एक पेज लिखने वाले को, तो आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखे, लिखने की हैबिट अभी से अच्छी कर लें अपनी, और जिनकी अच्छी ना है वो तो कर ही लें, जिनकी अच्छी है वो और अच्छी कर लें, नंबर अधिक मिलने में हर्ष क्या है। तो एग्ज़ाम में अब मेन आते हैं एग्ज़ाम के कुछ और पॉइंट्स। एग्ज़ाम में बैक किस में लगता है, कई लोग सोचते हैं कि बैक लगेगा, क्योंकि बैक उसी में लगेगा जिसमें आप लोग ओवर स्मार्ट बनेंगे और पढ़ेंगे नहीं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, हिंदी हो गया, कोई भी लैंग्वेज हो गया जो आप चीज़ सोचते हैं कि बहुत अच्छी है, FEG2 हो गया, बहुत सारे कोर्स होते हैं जो एकदम बेसिक वाली चीज़ सिखाई जाती है, एकदम बेसिक वाली, और आप सोचते हैं कि ये सब चीज़ क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या पढ़ना है, लैंग्वेज इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है, सब चीज़ तो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, अपने से बना के लिख देंगे कुछ भी चलेगा, ऐसे नहीं होता। और इग्नू वाले बहुत समझदार होते हैं, जिससे समझ में आता है कि वो लोग आंसर पढ़ते हैं और उसमें आपको बैक लगा देंगे, वो फिर आप उसको फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे और फिर भी बैक लग रहा है। कई बार तो ऐसा होगा कि आप जिस सब्जेक्ट को 6 महीना पढ़े उसमें भी बैक आ जाएगा, एकदम याद होगा तब भी बैक हो जाएगा, तो उस चीज़ में आपको एक कंडीशन आती है, वो होता है कि उस एग्ज़ाम सेंटर को आप कभी भी चूज़ ना करें। जैसे ही अगर ऐसा हुआ, आपने बहुत पढ़ाई की और वो वाले एक सब्जेक्ट में बैक आ गया अगर आपका, तो आप वो वाले एग्ज़ाम सेंटर को कभी भी भूल के भी कुछ भी हो जाए वहाँ मत जाइएगा, क्योंकि वो लोग फिर बैक लगाते जाते हैं। इस चीज़ का मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से बैक लगाएंगे, हर बार बैक लगाएंगे, लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे, जब तक आप थक ना जाए और आपको पूरा 12 बार एग्ज़ाम देने की कंप्लीट ख़त्म ना हो जाए, कि आप एक बार साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो, और 6 साल आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है कोई भी कोर्स करने की डिग्री में, जिनका 8, कईयों का 6 साल होती है, कईयों का कुछ ज़्यादा होता है। आपका अगर 3 ईयर का बैचलर कोर्स तो मैक्सिमम 6 ईयर्स ही मिलता है कोई चीज़ को क्लियर करने के लिए, लेकिन अगर वो क्लियर ही नहीं होगी तो आपका क्या होगा। तो ऐसे में आप पहले ही बार में समझ जाए कि यहाँ गड़बड़ है, अपने रिलेटिव के वहाँ किसी भी शहर में जा कर के दूसरे शहर जाना पड़े, दूसरे शहर जाके वो एग्ज़ाम दे के आइएगा। अगर आपका शहर में एक ही सेंटर है अगर एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप अपने नानी घर, मामा घर, चाचा घर, किसी भी रिलेटिव के वहाँ जा करके एग्ज़ाम किसी और सेंटर में दे के आइएगा, कि कई बार ऐसा होता है कि सेंटर ही गड़बड़ होता है। ऐसे मेरा सेंटर गड़बड़ है, मैंने कई एक ही एग्ज़ाम में कई कई बार बैक लिया है, समझ में ही नहीं आता था कि लिखे सही है कि गलत लिखे हैं, कम लिखे हैं, हर चीज़ मैंने अजमा के देखी लेकिन तब भी बैक आ जाता था। एकदम अच्छे से पढ़ा हो, मतलब सोचो जिस सब्जेक्ट को मैंने 3 बार बैक क्लियर करने के लिए दिया,
और मैंने तीनों बार बहुत पढ़ा और एक ही बुक थी वो। ऐसा भी नहीं उस बुक में तीन पार्ट्स हो या दो पार्ट्स हो, नहीं पढ़ा कभी। हर बार वही चीज़ होता था, बैक एकदम, एक सोच भी नहीं पाते थे। तुमके साथ तो ऐसा होगा कि कई बार तुम लोग एकदम बहुत अच्छे से पढ़े होगे, उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, में बहुत अच्छे से लिखे होंगे, उसमें तुम लोग को 0 नंबर मिल जाएगा। ऐसा कई बार होगा तुम लोग के साथ। अगर समझदारी से काम लोगे तो एक बार भी नहीं देखने मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर एग्जामिनेशन सेंटर गलत ही रहा तो कभी भी हो सकता है चीज, कभी गलत नहीं रहा तो हमेशा अच्छा होगा। तुम लोग अच्छे से अच्छा कम भी लिखोगे तब भी अच्छा मार्क्स मिल सकता है, और अधिक भी लिख दोगे अगर एग्जामिनेशन सेंटर खराब है तो भी खराब मार्क्स मिल सकता है। और कोई भी चीज पूछनी हो तो आप लोग को पता है डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया रहेगा, आप उस पर कर सकते हैं। और कमेंट जितना आप करें उतना अच्छा है, उतना मैं पढ़ूंगा और उतना ज़्यादा रिप्लाई दूंगा। अगर आप कमेंट से ही बात करेंगे तो भी सही है। कमेंट वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा वीडियो, आम वीडियो जैसा था या कुछ आपको हेल्पफुल हुआ, असाइनमेंट आप लोग ने बना ली। अगर आप BA PCS के स्टूडेंट हैं, बैचलर इन आर्ट्स फॉर क्या होता है, हॉनर्स बाय साइकोलॉजी, तो आप उसमें मैसेज करें, मैं भी उसी का स्टूडेंट हूँ, और हम लोग अपने भविष्य में आप अब मेरी मदद ले सकते हैं कभी भी किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। मुझे आज भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आते रहते हैं। और बताएं कि कैसा, सब सही है? और एग्जामिनेशन आपके कैसे चल रहा है, असाइनमेंट का कैसा है प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आपने किया कि नहीं, एग्जामिनेशन फॉर्म आपने डाला कि नहीं। अगर आप 2021 के जुलाई सेशन के हैं तो आप लोग को ये सब काम कर लेना चाहिए, डेट बहुत कम बची है, नहीं तो आप लोग पिछड़ जाएंगे और आपका फिर एक ही बार में बहुत सारे एग्जाम देने पड़ जाएंगे। तो जल्दी लिख लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो उसमें। गाइस बाय, और कोई भी किसी भी तरीके के प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये बुक किसी और की है, कोई किसी और की नहीं, मेरे ही है, लेकिन किसी और सब्जेक्ट की है, लेना देना नहीं है उससे। गाइस मिलते हैं कई अलग टॉपिक पे जिसको आप लोग बताएंगे, मैं उस टॉपिक पर फिर से वीडियोस बनाऊंगा। और मिलते हैं गाइस एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियोस में। सो बाय।